कामराबाद मुर्दाबाद 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 वेला पर कटुती प्रशासन चलाना बंद करो बंद करो बंद करो अमेरिकी साम्राज्यवाद होश में आओ होश में आओ डोनाल्ड ट्रंप होश में आओ होश में आओ होश में आओ अमेरिकी साम्राज्य डोनाल्ड ट्रंप होश में आओ होश में आओ अरे वेनेजुएला पे हमले की साजिश नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे वेनेजुएला में सरकार गिराने की साजिश नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे वेनेजुएला में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे होश में आओ होश में आओ डोनाल्ड ट्रंप होश में आओ 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 अमेरिकी साम्राज्यवादी डोनाल्ड ट्रंप होश में आओ होश में आओ ये अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है कि किसी भी देश पर तुरंत आक्रमण कर देना उस देश को कब्जा कर लेना पूरी मार्केट को अपने अंडर में ले लेना ये उसकी साजिश आज नहीं बहुत दिनों पहलों से चल रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए वेनेजुएला पर इसके पहले जो आम जनता सरकार को चुनी आम जनता के चुनी हुई सरकार को ये अमेरिका साम्राज्यवाद जो है उसको ख़त्म कर देना चाहता है उसको उखाड़ फेंकना चाहता है और देश पर अपनी कठपुतली सरकार स्थापित करना चाहता है। ये जो नीति है उसकी नीति है मार्केट को कब्जा करना। वेनेजुएला में बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो अमेरिका उस पर दखल लेना चाहता है मार्केट को अपने कब्जे में करना चाहता है। जिस तरह अभी इराक में हुआ सद्दाम हुसैन के बाद पूरे खनिज पदार्थों पर उसने कब्जा किया उसी तरह उसके पूरे देश में उसका एक आक्रामक रवैया रहा कि किसी भी देश की संपदा को अपने कब्जे में लेना और मार्केट बनाना ये इसका काम है। आज आपको मालूम होना चाहिए ये साम्राज्यवाद एकदम खुला शेर की तरह किसी भी देश पर आक्रमण कर रहा है और आम जनता के सवालों को लेकर जो आम जनता लड़ रही है उसको भी दबाने का काम किया जा रहा है। आज आपको मालूम होना चाहिए वेनेजुएला पर जब भी सरकार बनी स्वतंत्र सरकार का निर्माण हुआ तो वहाँ पर जो टैक्स लिया गया वो आम जनता पर खर्चा किया गया वहाँ के बड़े बड़े धन कुबेर जो हैं उनको घास नहीं डाला उनको कोई टैक्स छूट नहीं दिया इसलिए वहाँ का धन कुबेर भी चाहता है कि यहाँ की सरकार को ख़त्म करके यहाँ हमारे धन कुबेरों की सरकार वहाँ पर बैठाई जाए। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि टैक्स जो दिया जाता है वो टैक्स का काम होता है वो टैक्स आम जनता के सुविधाओं में खर्चा किया जाए। लेकिन कॉमरेड साथियों आज पूरा दुनिया साम्राज्यवाद पूंजीवाद के आम संकट के दौर से गुजर रही है। इसके चलते साम्राज्यवाद बेलगाम होता जा रहा है। कमजोर और विकासशील देशों में खासकर तीसरी दुनिया के अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अपनी विस्तारवाद नीति को अंजाम दे रहा है। साथ साथ उन देशों की आम जनता अपने तमाम सवालों को लेकर के महंगाई बेरोजगारी इलाज के सवाल को लेकर के एजुकेशन के सवाल को लेकर के लामबंद हो रही है संघर्ष के रास्ते पर जा रही है। इसके चलते साम्राज्यवादी साजिशें पूरी नहीं कर पा रहे। सारे एंग्लो अमेरिकन फ्रांस इवन रूस चाइना जितने भी साम्राज्यवादी लोग हैं ये जितना कोशिश कर रहे हैं उतना इनका विरोध भी हो रहा है। अब उस विरोध को दबाने के लिए देश देश के अंदर अपनी विदेश नीति के तहत जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको अपदस्त करके अपना पिट्ठू सरकार बनाने का कोशिश में लगा हुआ है। इराक के अंदर वहां का राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसैन को गलत सलत
इल्जाम लगा करके अपदस्थ किया, उसको फांसी पे लटकाया और वहां पर पिट्टू सरकार बनाई। और भी कई देश हैं, कर्नल कज्जाफी जो लीबिया के अंदर अपदस्थ किया गया, उसको जो है उसकी जगह की पिट्टू सरकार बनाई। लेबनान के अंदर हिजबुल्ला को अपदस्थ करने की कोशिश किया, लेकिन वहां की जो संघर्षशील जनता ने उसको करारा जवाब दिया। सवाल ये नहीं है कि किस देश की सरकार गलत या सही कर रही है, इसका एक महत्व है, पर ये कौन तय करेगा? अमेरिका? साम्राज्यवादी लोग? तुम कौन होते हो किसी के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने वाले? जो है जो भी होगा उस देश की जनता यही तय करेगी कि इस देश पर शासन कौन करेगा, न कि साम्राज्यवादी लोग। आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चलते हमारा देश भारत भी बहुत दिनों तक साम्राज्यवाद शानदार मुहिम में शामिल रहा, लेकिन इस बाजार संकट के चलते और रशिया में सोवियत यूनियन के पतन के चलते ये जूनियर पार्टनर की हैसियत से विश्व साम्राज्यवादी के हिस्से के रूप में हमारा देश की सरकार भी साम्राज्यवादियों के साथ है। अमेरिकी साम्राज्यवाद डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से दूर हटो दूर हटो दूर हटो। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से दूर हटो दूर हटो दूर हटो। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से दूर हटो दूर हटो दूर हटो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसोसिएशन कम्युनिस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। My first question to you. Some countries are claiming that Nicolas Maduro is a legitimate president of Venezuela, while others are backing Juan Guaido. Who, according to your party, is the legitimate president and why? वहाँ जो इलेक्शन हुए वेनेजुएला में पिछली बार, उसमें तो बहुमत से, चाहे भले वो 1% ज़्यादा हो, तो उसमें जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरो, वही चुन के आए हैं। उसमें तो दूसरे को चुन के आए हैं। तो लेजिटिमेसी जो है वो मदुरो की है। सो देयर आर एलिगेशंस ऑफ दिस बीइंग अ यूएस प्लॉय टू आउस्ट मदुरो इन ऑर्डर टू इंस्टॉल अ पपेट रिजीम इन देयर फेवर। व्हाट इज योर पार्टी स्टैंड ऑन दिस? ये मदुरो जो है एक मजदूरों के नेता भी रहे हैं, आम जनता से संघर्ष करते हुए आए हैं, आम जनता को उनकी मतलब जो है मन में उनके प्रति कि उनका जैसे ही होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। और उससे पहले स्वाज हुगो जो है वो चुन करके आए थे, उन्हीं की इसमें कंटिन्यूटी में है। यहाँ पर वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसकी जो सोवरेनिटी है, सार्वभौमिकता है, उसको बचाने की कोशिश करें। मूल मुद्दा यहीं पर यही है। देयर आर एलिगेशंस ऑफ दिस बीइंग अ यूएस प्लॉय टू आउस्ट मडुरो in order to install a regime in the favor of the United States. What is your party stand on this? वहाँ पर जो अमेरिकी साम्राज्यवादी डोनाल्ड ट्रंप उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो तख्ता पलट करने की साजिश कर रहा है, ये गलत है। सबसे पहले किस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये उसका इंटरनल मैटर है। तो हमारी पार्टी ये बोलती है कि उसकी सोवरेनिटी पे हमला है। okay. सबसे फर्स्ट बात। माई नेक्स्ट क्वेश्चन। Now there are also allegations that the US is trying to steal Venezuelan oil. That is the reason why this is, you know, in place. So what is your party stand on this? Venezuela mein abhi wahan par jo oil ka bahut bada source uska pata chala hai, uska bahut andar ground ke andar bahut capacity hai jo ki world mein abhi number 1 hai. Is bahut matlab full reserve, bahut capacity hai uska, more than Arab countries. उसमें अमेरिका जो यूएसए अमेरिका वो चाहता है कि वो इस पर कब्जा करे या उसका नियंत्रण करे। और वहाँ की जो कंपनियाँ हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, मदुरोचे चाहते उसमें रहे, वो चाहते कि पब्लिक सेक्टर में ना रहे, प्राइवेट में जाए, जिससे कि प्राइवेट पूंजी अमेरिका की दूसरे साम्राज्यवादी के वहाँ लगे और ऑयल का एक्सप्लॉयटेशन कर सके, उसका दोहन कर सके, वहाँ पर एक्सट्रैक्शन उसको निकालना, उसका रिफाइन करना। वो लोग खुद सक्षम है, वो कर सकते हैं।
So Elliot Abrahams has been led to spearhead the policy for the regime change in Venezuela. Now he was also involved in the coup attempt against Hugo Chavez. So what is your party stand on this? ये गलत था, जैसे हमने पहले कहा कि किसी भी देश की जो सोवरेनिटी है, सार्वभौमिकता है, उसको हमला नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जो तख्ता पलट नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ में है, ये तो खुल्लम खुल्ला अमेरिका कर रहा है। पहले सोवियत संघ जो है हुआ करता था, जो बैलेंस करता था साम्राज्य दुनिया को, आज वो नहीं है 1989 के बाद जो है, और जनता भी उतनी संगठित नहीं है, तो उसको मौका मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ में है, प्रैक्टिस के भी खिलाफ में है। There are also allegations of Elliot Abrahams being a war criminal. So what is your opinion on this? Please repeat the question. Yeah. So there are allegations that Elliot Abrahams is a war criminal. What is your view on this? Yes, he is war criminal. Definitely he is war criminal. But he is not alone. He is with the Donald Trump administration. He is not alone. He is the part and parcel of the imperialist country, US. Okay. So now there are allegations of widespread corruption and maladministration under the Maduro government. Now these allegations are documented in video evidence by the Venezuelan people. So what is your party stand on this? Actually, question is not the corruption. Question is the sovereignty of any country. Now US siding this question deliberately. Question is the sovereignty of any country. So question is wrong by the side of US. And secondly, any country, capitalist, imperialist country, corruption is everywhere, jo hai, in a capitalist, imperialist country. Jo hai. So it is another question. Jo hai. It is not the question of sovereignty. Jo hai. So question here is like the sovereignty. Jo hai. Main point is sovereignty. Jo hai. But poverty and crime have plagued Venezuelan society. People are dying of hunger and they are leaving Venezuela and they are blaming the Maduro government. So this is a humanitarian issue. So what would your party like to say regarding this? This question is posed by the US imperialist Donald Trump and his administration. It is totally wrong. जो भूखमरी वहाँ पर पैदा हो रही है, जो इलाज नहीं हो रहा है, उसने आर्थिक नाकेबंदी की हुई है अमेरिका ने वेनेजुएला की. वेनेजुएला ही नहीं, पूरे जो दूसरे अफ्रीकन कंट्री हैं, और इसके साथ साथ जो है जो दक्षिण अमेरिका है उसकी भी आर्थिक नाकेबंदी की हुई है. ये लोग अपना संगठन बनाए हुए हैं क्यूबा के साथ, वेनेजुएला. आपको मालूम है कि क्यूबा के खिलाफ भी आर्थिक नाकेबंदी अब तक रही है. तो आर्थिक नाकेबंदी से वहाँ पर आर्थिक हालात ख़राब होते जा रहे हैं. आपने पूरा उसका एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उसको जो है. एक्सप्लॉयट करने के बाद, शोषण करने के बाद आप बोल रहे हैं कि आप आपकी सहायता करेंगे. आपने पूरा थाली छीन लिया उससे, फिर टुकड़ा दे रहे उसको. दैट इज टोटली रॉन्ग. बट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अल जजीरा, विच इज वेरी क्रिटिकल ऑफ यूएस एंड यूएस पॉलिसीज, यूएस इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज, इवन दे हैव क्रिटिसाइज्ड मडुरो गवर्नमेंट ऑफ लीडिंग रनिंग द कंट्री टू द ग्राउंड. सो व्हाट इज योर पार्टीज व्यू ऑन दिस? मैंने जैसे पहले कहा कि जो वेनेजुएला में भी पूंजीवादी सरकार है, भले वामपंथी है, लेकिन जो देश का जो ढांचा है वो पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है. तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में करप्शन तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये उसके अंदर उससे जुड़ी हुई हैं. अब उसे अलग नहीं कर सकते. वो आज जो वहाँ पर मदुरो का जो सरकार है उनमें कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो उसको अलाउ नहीं करता है. जय उनको आगे जाना होगा, सोशलिज्म की तरफ जाना होगा, समाजवाद की तरफ जाना होगा. पहले कदम में वो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था का जो है ये पब्लिक सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जो अमेरिका नहीं होने दे रहा है, बहुत दिनों से नहीं, 20 सालों से नहीं होने दे रहा है, 30 साल से. अब तक उन्हें अगर ऐसे करने दिया गया होता तो वो ये बहुत सारी समस्याएं हल कर चुके होते हैं, भुखमरी का, थोड़ा बेरोजगारी का, तो थोड़ा राहत वो दे सकते थे. सो व्हाई शुड जुआन ग्वाइडो नॉट गेट अ चांस एज ही हैज सम सपोर्ट इन वेनेजुएला? पीपल डू सपोर्ट हिम. सो व्हाट इज योर पार्टीज व्यू ऑन दिस? प्लीज पार्डन. जुआन ग्वाइडो हैज बीन गेटिंग पॉपुलर सपोर्ट इन वेनेजुएला. सो व्हाट इज, सो व्हाई शुड ही नॉट बी गेटिंग अ चांस? एक्चुअली US imperialist, US administration, Donald Trump administration is funding directly. US intelligence. Yes, they are funding through their intelligence and others institutions. So it is so-called support. Actually, it is not really support, so-called support. Media is making their mind of the Venezuelan peoples.
but they are not succeed yet. Coming to this demonstration, what significance does it have to us as Indians? What's happening in Venezuela is a foreign country. How are we impacted with this, through this? हम इसको प्रभाव डाल सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे भारत का संबंध यूएस के साथ में न्यूक्लियर डील को लेकर के हुआ है. अगर भारत सरकार चाहे कि न्यूक्लियर डील को रद्द करना चाहिए, जो कि आम जनता के पक्ष में नहीं है. न्यूक्लियर डील जो है वो अर्थव्यवस्था का सैन्यकरण करने की तरफ है भारत की. जो अमरीकी जो अर्थव्यवस्था है उसका सैन्यकरण बहुत पहले से ही है. भारत भी अपने अर्थव्यवस्था सैन्यकरण कर रहा है, लेकिन तब तक वो ट्रक रोड वगैरह जो मिलिट्री में सामान लगता है, सिविल सामान, वो अब तक एक बाज़ार के रूप में भारतीय सरकार ये कर रही थी. लेकिन अभी भारतीय सरकार जो है प्राइवेट कैपिटल को, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहती है, और इंडिया के अंदर से भी जैसे अंबानी वगैरह जो दूसरे जो कुछ देश हैं डिफेंस इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं. तो ये बहुत बड़ा प्लान है, साजिश भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सैन्यकरण किया जा रहा है. इसीलिए न्यूक्लियर डील किया गया, और इसलिए भारत उसको कुछ बोलता नहीं है. भारत के जनता का ही अलग है. भारत के जो पूंजीपति वर्ग हैं या उनकी सरकार है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, इनका पूंजीपति वर्ग का स्वार्थ है, आम जनता से अलग है. ऐसे अमेरिका में भी जो आम जनता है, जो मजदूर हैं, उनका ही अलग है, और अमरीकी पूंजीपति साम्राज्य जो उनका ही अलग है. अगर हम चाहें आम जनता, हम आंदोलन खड़ा करें भारत सरकार, अगर हम इसको राजनीतिक रूप से आम जनता को समझा सके कि हम रिश्ता तोड़ना चाहिए अमरीकी साम्राज्यवाद से, और जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस समय बाहर आना चाहिए. अमरीका तुरंत उसको दबाव को महसूस करेगा, और वहाँ पर जो इंटरवेंशन कर रहा है वेनेजुएला में, दूसरे देशों में भी, वो पीछे हट सकता है. व्हाट आर योर पार्टीज प्रपोज सॉल्यूशंस टू द वेनेजुएलन क्राइसिस? फर्स्ट, जो सॉवरेनिटी है उस पर उसका हमला नहीं होना चाहिए. जितने भी देश हैं सब मिल करके उसका विरोध करना चाहिए, मूवमेंट खड़ा करना चाहिए. इस तरह से ये एक मूवमेंट, जब पीस मिलीमेंट मूवमेंट खड़ा होगा, शांति आंदोलन खड़ा हम करने में अगर कामयाब होंगे, सफल हुए, इतना आसान नहीं है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, तभी हम भारत सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, और अमरीकी साम्राज्यवाद भी डाल सकते हैं, सभी देशों की जनता और मजदूर मिल करके. जो क्योंकि वैसे भारत की जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी की है, ये पूंजीपति के साथ में नहीं है, न्यूक्लियर डील के साथ में नहीं है. ये आम जनता के पक्ष में नहीं है. हमें हथियार बनाने की जरूरत नहीं है. जो हथियार बनाए, लेकिन पब्लिक सेक्टर में बने, प्राइवेट सेक्टर में क्यों बनेगा? इंडिजिनस अपना इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन इंडिजिनस भी पब्लिक सेक्टर में. ये इसको ओपन नहीं करना चाहिए प्राइवेट पूंजी के लिए, प्राइवेट कैपिटल के लिए, वेदर इट इज, मतलब देसी हो चाहे विदेशी हो. पर हमारा पब्लिक डिफेंस इंडस्ट्री इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड. ये तो डेवलप नहीं होने दिया गया. अभी राफेल का जो है, अगर इसको जो हाल इंडस्ट्री है हमारी पब्लिक सेक्टर में, उसको देते तो डेवलप होती. कमीशन खानों को मिलता है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री के कुछ ऑफिसर लोग हैं, राजनेता लोग हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल, और जो पूंजीपति वर्ग है, चाहे इंडिया का हो चाहे वो दूसरे देश का इंग्लिश पावर का हो, ये तिगड़ी है, ये मिलके पूरा पॉलिसी बनाते हैं. इसीलिए बाहर जो है, मतलब ये देंगे डिफेंस इंडस्ट्री का हथियार बनाने का ठेका देंगे, ऑर्डर देंगे, और अपने देश में भी जब बात आ रही है तो पब्लिक सेक्टर में नहीं, बल्कि अंबानी अडानी जो भी है, सवाल एक अंबानी का बात नहीं, किसी को भी दिया जा सकता. कांग्रेस भी आएगी तो अनिल अंबानी को न दे करके दूसरे को टाटा को दे सकती है. लेकिन हम पूरा टोटल इसके खिलाफ में है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में जो हमारी जरूरत है डिफेंस का, वहाँ पर हथियार बनना चाहिए, बाहर प्राइवेट सेक्टर में नहीं. Is there anything else you would like to tell our viewers? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इसका कारण क्या है, ये जो क्राइसिस है, जो आतंकवाद फैल रहा है, दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसकी सॉवरेनिटी पे हमला कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान पे किया था, इराक पे किया था, ईरान को धमकी दे रहे हैं जगह जगह पे, खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है उन देशों की जो है, जो US साम्राज्यवादी हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इनके अर्थव्यवस्था का मिलिटराइजेशन हो चुका है. उनके जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उसके आधार पर जो इंडस्ट्री है, कपड़ा जूता, वो सामान बिकता नहीं है, उसका बाज़ार नहीं है. बाज़ार क्यों नहीं है? कैपिटलिज्म के कारण से, पूंजीवाद के कारण से,
उसने शोषण इतना कर लिया आम जनता का, उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है, उसका बाजार नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको एक नकली बाजार चाहिए। तो नकली बाजार पैदा करना है वो सरकार पैदा कर सकती है, एक ऐसा नीति बना करके कि जो उसका माल जो है वो खरीदे सरकार। जैसे डिफेंस का कौन खरीदता है? सरकार ही खरीद सकती है हथियार, चाहे वो देश के अंदर से खरीदे, चाहे देश के बाहर से खरीदे, चाहे ऑर्डर दे। तो आम जनता का टैक्स को लेकर के ये खरीदारी की जाती है। तो ये आर्टिफिशियल इकोनॉमी को मतलब जो है उभारने की कोशिश की जा रही है। ये जो व्यवस्था है कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट जो सिस्टम है, ये इट इज़ टोटली एडजस्टेड हिस्टोरिकली, ये कोई समस्या का नहीं कर सकता। वी हैव टू रिप्लेस इट विद हायर सोसाइटी, सोशलिज्म जो है, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, ओनली वे। बट इट कॉन्ट बी हैपन इन वन डे और इन सम डेज। तो वाट वी हैव टू डू इन दीज कंडीशंस, हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि राजनीतिक समझ सही लोगों में पैदा करते हुए जो शांति आंदोलन खड़ा करना, साम्राज्यवाद की पोल खोलना और इस मूवमेंट को चलाना, सब देशों की जनता का कोऑर्डिनेशन करना मूवमेंट का, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम साम्राज्यवादी दुनिया को हमला जो करते हैं, दूसरे पर कब्जा करते हैं, उसको रोक पाएंगे, उसको हम रोक पाएंगे। जैसे अमरीकी मजदूर अगर हमारे साथ में है, अगर फौज जा रही है दूसरे देश में या उसके देश से, तो रेल का मजदूर हड़ताल करेगा, रोड पे जो है ट्रांसपोर्ट में वर्कर हड़ताल करेगा, मिलिट्री जा नहीं पाएगी, किसान लोग उसको ब्लॉकेज कर देंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट के बगैर नहीं हो सकता, ये पार्लियामेंट का रास्ता नहीं है। पार्लियामेंट में भी हम रखते हैं, जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हम अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मूवमेंट को हम तेज़ करेंगे, अपने देश के अंदर मूवमेंट खड़ा करेंगे, और जो इंटरनेशनल मूवमेंट को भी हम अगेंस्ट इंपीरियलिस्ट जो अटैक है, सिस्टम है, उसके खिलाफ जब पड़े तभी इसके साथ एक ये रास्ता बनता है। सो वन लास्ट क्वेश्चन, यूएस हैज टॉक्ड अबाउट द मिलिट्री ऑप्शन इन वेनेजुएला, सो व्हाट आर योर व्यूज टू काउंटर दैट? एक्चुअली इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है, इट इज नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, इज ए टोटली पॉलिटिकल इशू जो है। सो यूएस इज डेलिबरेटली अटैकिंग बिकॉज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम इज इन वेरी डीप क्राइसिस जो है। सो इट वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट द ऑल रिसोर्सिस ऑफ द वेनेजुएला एंड फॉर द मार्केट ऑफ आर्म्स, दे कैन मतलब वो आर्म्स को वहाँ खपा सकते हैं, वो बाजार क्रिएट होता है, दोनों एक साथ में बात है। तो इसीलिए वो एक जानबूझ के हमला करना चाह रहा, अटैक करना चाह रहा, बहाने बना करके जो है, असल में उसकी अर्थव्यवस्था में क्राइसिस है जो है, इस बात को हमें समझना होगा। थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ओके, इंकलाब जिंदाबाद, 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 अमेरिका साम्राज्यवाद वेनेजुएला से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, अमेरिका साम्राज्यवाद वेनेजुएला से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, साम्राज्यवादी यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, अमेरिका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, 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 एसएसए कम्युनिस्ट जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 अमेरिका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, 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 अमेरिकी साम्राज्यवादी यूएस वेनेजुएला से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, अमेरिकी साम्राज्यवादी यूएस यूएस डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 एसोसिएशन कम्युनिस्ट जिंदाबाद, 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 दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, एसोसिएशन कम्युनिस्ट करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 अमेरिकी साम्राज्यवादी यूएस डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से दूर हटो, दूर हटो,